pteridophytes में अभी तक हमने जनरल फैक्टर्स और अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन उसके बारे में डिस्कस किया था. आज pteridophytes में जो एफिनिटीज है या बंधनता पाई जाती है bryophytes और pteridophytes के साथ. तो bryophytes के साथ ये किस तरह से एफिनिटीज प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसमें जो समानता है या सिमिलैरिटी है उसके बारे में डिस्कस. क्या क्या समानता है जो pteridophytes हैं bryophytes से दिखाते हैं या पाई जाती है. तो सबसे पहले इसमें जो आवास आवास के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही तरह के जो प्लांट्स हैं वो नम और जहां छाया अधिक होती है उस तरह की आवास में ये पाए जाते हैं. जहां पर नमी अधिक हो ह्यूमिडिटी अधिक हो और शहरी रीजन हो या जहां पर छाया पाई जाती है उस तरह के स्थलीय आवासों में ये पाए जाते हैं. bryophytes में जनरली या bryophytes में रूट्स नहीं होती है. इन bryophytes तो इसमें जो लोअर pteridophytes है जिसमें साइलोटम है और राइनिया इन प्लांट्स में भी रूट्स नहीं पाई जाती. तो इस तरह से यहां पर राइजोइड्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं. जो लोअर प्लांट सेंस में जो pteridophytes में जिसमें अपने सिलेबस में साइलोटम है और राइनिया दोनों में ही राइजोइड्स पाए जाते हैं. इस तरह से भी ये समानता प्रदर्शित करते हैं. इन प्लांट्स में रूट्स नहीं पाई जाती. लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन दोनों में ही ट्यूबेमस टाइप ट्यूबेमस टाइप मीन्स अलग अलग तरह के यहां पर युग्मक बनते हैं. गैमेट्स का फॉर्मेशन पाया और उनको एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया एंथीडिया और आर्चिगोनिया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है और इनके चारों तरफ जैकेट बनती है. तो दोनों ही प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूगेमस है और इसमें जो एंथ्रोजॉइट्स है वो मोटाइल होते हैं गतिशील होते हैं और आर्चिगोनियम में एग्स है स्थिर रहती है. अब यहां पर जो एंशेंस होता है एंथीडिया का जल आवश्यक होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए भी है आवश्यक होता है क्योंकि जो मोटाइल एंट्रोजॉइड्स हैं मेल गैमेट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है. लेजिलेटेड होते हैं और इसी के कारण ये लिक्विड मीडियम में गति करते हैं
ही जो ग्रुप है ब्रायोफाइट और पेरिडोफाइट दोनों में ही स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन पाया जाता है और बीजाणु बन गए। अब हमने जैसा कि पिछली क्लास में पिछले जो अपना जो है पेपर जब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स सारे के सारे जो प्लांट हो होमोस्पोरस यानी कि बीजाणु पाए जाते हैं। पेरिडोफाइट्स में भी ज्यादातर जो प्लांट है वो होमोस्पोरस है और नाइन जेनेरा है जिनमें हेटरोस्पोरी पाई जाती है। तो इस तरह से दोनों स्पोर्ट्स में भी सिमिलैरिटीज प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही प्लांट्स में स्पष्ट पीडीए कांकरण पाया जाता है और वो भी विषम रूपी होता है। तो ये जो चीज है ये सब ब्रायोफाइट्स और पेरिडोफाइट्स में समान पाई जाती है। अब हम बात करेंगे किस सिमिलैरिटी यानी क्या क्या इसमें असमानताएं पाई जाती है पेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले हम देखें गैमेटोफाइट में नहीं होती और प्राय फाइट्स में लेटर्स जो स्पोरोफाइट्स
में स्पोर्ट्स के साथ होते हैं कैप्सूल में, वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में लेकर जनरली नहीं पाए जाते। इक्विसीटम में देखा होगा वहां पर सीवेलेटर्स पाए जाते हैं स्पोर के साथ। इस तरह से जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। और ब्रायोफाइट्स जो एम्फीबियन प्लांट्स है और ई प्लांट्स है आगे चल करके ऐसा जनरली टेरिडोफाइट्स का विकास, और ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट वेस्टिकुलर प्लांट्स भी यही प्लांट्स कहलाते हैं, इन्हीं में सबसे पहले वेस्टिकुलर बंडल्स या टिश्यूज का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो क्लास में हम इसकी जो तुलना करेंगे कंपेरिजन करेंगे वो जिम्नोस्पर्म के साथ। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पादप है, अनावृत बीजी पादपों से किस तरह से समानता प्रदर्शित करते हैं, असमानता प्रदर्शित करते हैं, क्या क्या एफिनिटीज है, या किस तरह से बंधुता प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।